9 are the days in the night when the goddess had to fight the demons and to save her children from the effects of negativity. On one side, she was ocean of love and compassion, and on the other side, she was protecting them like a tigress. The center of the head. Here the devotee loses most of his sense of individuality, which is complete. Om Tameva Sakshat Mahabhogha Namo Namaha, the greatest luxury. Om Tameva Sakshat Mahaishvarya Namo Namaha, having the greatest dominion or kingdom. Om Tameva Sakshat Mahavirya Namo Namaha, लगाते हैं चमेली सर में तो आमला ही देना चाहिए ले आएंगे और कैसे खा मिल जाए बहुत हैंड्स बहुत हैंड्स पुट टुगेदर राइट एंड देन पुट इट यस दैट्स इट That there were incarnations of the God many a times on this earth, and they that part of that aspect tried to protect the people who were in danger, especially the mother. Mother came many a times, out of which we celebrate 9 special times when she came and killed very horrible devils on this earth. Most fortunate thing is that today is the Navratri and that I should be in London and this Navratri Puja should be performed here. No other country is that privileged because this is the highest puja. The greatest ritual which you can attend. Salutations Sri Ganesh, Sakshat Sri Jesus, Sakshat Sri Nirmala Devi, Namo Namaha. It is you who is the beginning of all the beginnings. It is you who is the doer of all deeds which have been done, are being done, and will be done. Sakshat Kapala Lao. Lao Lao Sangha. Sakshat Kapala Lao. Tell somebody. Dhala Sangha. You just he can do it. You, put it on to everybody from here. We'll take it to India. Put now another one. You want to take a photograph? Let's buy the photograph. He wants to take the photograph. Yeah. Celle qui est sans anxiété, Nishchinta. Om Tameva Sakshat Shri Nishchinta Namo Namaha. Shri Niramkara, celle qui est sans ego. Om Tameva Sakshat Shri Niramkara Namo Namaha. Nidara,
Devi Savabhuteshu Nidra Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. Quel est ton nom? Samantat, Twam Vangmayas, Twam Chinmayas,
त्वम् आनन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममय त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वम् जगदिदम् त्वत्तो जायते सर्वम् जगदिदम् त्वत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदम् त्वयि लयमेष्यति सर्वम् जगदिदम् त्वयि प्रत्येति त्वम् भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वम् चत्वारि वाक्पदानि त्वम् गुणत्रयातीतः त्वम् देहत्रयातीतः त्वम् कालत्रयातीतः त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णु त्वम् रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वम् वायु त्वम् सूर्य त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वेगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना पाग उजारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी सनारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता
जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परों करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपद राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामे पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे काहि कहो फिर कौन उबारे बाध करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान ओम शत्रु मर्दिनी नमः ओम श्री अंबिका देवी नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम तारकासुर संहंत्री नमः ओम शुंभ शुंभ संहंत्री नमः ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः ओम श्री रक्षाकरी नमः ओम राक्षसघ्नी नमः ओम श्री चामुंडा नमः ओम मधुकेतवहंत्री नमः ओम नरकांतका नमः ओम भंडासुरमर्दिनी नमः ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ओम श्री कार्तिकेय नमः ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः ओम सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano
चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवः
सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च what you are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पे हम श्री आदिशक्ति के दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं, पूजन और ध्यान करते हैं। माँ कूष्मांडा जिनके एक स्मित हास्य से, मंद मुस्कान से, ऊष्मा से पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। माँ कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं। माँ कूष्मांडा इतनी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई, इनका तेज इतना अधिक है, ये सूर्य के भीतर निवास करती। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की रक्षा करती आठों भुजाओं से। माँ कूष्मांडा को कूष्मांड अर्थात कद्दू, जिसे ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, ये बलि प्रिय है। माँ कूष्मांडा ने ब्रह्म के अंत अर्थात ब्रह्मांड, सृष्टि की उत्पत्ति की, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति भी मानते हैं। और ये बहुत ही कम भक्ति से, अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती। माँ कूष्मांडा हमारे भीतर हमारी अनाहत चक्र में विराजमान है, जिसके 12 पंखुड़ियां हैं। हर एक चक्र की पंखुड़ियां ही उसको गति देती हैं और उसके घूमने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पारा पंखुड़ियों का या अनाहत चक्र यम की ध्वनि से स्पंदित होता है, जागृत हो जाता है।
अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने मध्य हृदय में रखेंगे, स्टर्नम बोन, हमारे चेस्ट का मिड पॉइंट, पूरा चित्त अनाहत चक्र में, यम 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 पूरा चित्त मध्य हृदय में महसूस करेंगे इस चक्र की जागृति को। हमारा ये चक्र शुक्र ग्रह से प्लावित है। शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है, वीनस प्लैनेट अंतरिक्ष में। शुक्र ग्रह पे दृष्टि करेंगे, चंद्रमा के समान चमकीला ये ग्रह हमारी अनाहत चक्र में महसूस करेंगे। और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको घूमता हुआ महसूस करेंगे, चित्त को घुमाएंगे अनाहत चक्र का मूवमेंट, इसके मूवमेंट से तालमेल बिठाएंगे इसकी दशा और दिशा एक समान। पूरा चित्त मध्य हृदय में आठ भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड स्वामिनी माँ आदि शक्ति हमारे मध्य हृदय में जागृत है। हमारा चित्त जो आत्मा के गुणों से भरपूर है पूरी तरह से मध्य हृदय में मां के श्री चरणों में नतमस्तक। पूरी सामूहिकता जिनको अधिकार है उस समय सहज योगी जो माँ कूष्मांडा को पहचानते हैं माँ निर्मला के नाम से
आप सभी को मेरा सादर नमन। और माँ के इस दिव्य सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। Going to do puja for Navratri. Yesterday you saw beautiful description of Navratri and how the Mother Goddess has created all kinds of powers within you. It's not that only she has the powers, but you all have the powers. And you can all work it out. You can all find out whether these powers are there or not. With us, the realization is very important. But there, the Kundalini has given you this realization. Of course, Kundalini is a part, or we can say reflection of Adi Shakti. And also, the Jagadamba is also part of Adi Shakti. She's placed in the center of two hearts, which is a very important point. Now, all these powers are placed in that chakra. When sahayogis become good sahayogis, like ganas, they realize how much the ganas had to have patience, had to have love and intelligence to fight the negativity. So all the forces of the Jagadamba act towards hitting the negativity of all kinds. That is her first and foremost nature, is to destroy all the negativity that is in this world and is against Sahaj, against you. Her destruction takes place in so many ways. So first thing, if you are really worshipping the goddess, then you should have no worry at all of any kind, and you should have no fear at all. Go ahead. Fearlessly. Whatever you are doing, do it fearlessly. But at the same time, I have to tell you the other side, that one should not go about like a zombie. It doesn't mean that. Saying all kinds of nonsensical things of the right side. But if you have to do something, do it with clear-cut ideas and also without any fear. So all her powers will start manifesting. A man who is fearless has nothing to worry about his sleep, his well-being, nothing. He's fearless. Again, I say fearless doesn't mean that you go on hitting everybody, saying all kinds of things. No. It means that you are fearless. Anybody who attacks you, you can always protect yourself. So first and foremost thing, as I said, is to be fearless. To make the goddess express herself. Supposing now, take it like this. Now all ganas are following you. Now if the leader of an army is a frightened personality, what will others do? Thus, you become dependent upon yourself. This faith also must be developed. This maturity
is there because your mother has blessed you. All her powers she has given, every. But one power of patience is difficult. You have to be patient like your mother. You might think it's very difficult, but try to. Must have patience, first of all, with yourself. I know many people who think they're spiritually nothing and they have not achieved anything. This is absolutely a sort of a escapism, that you want to escape your personality. Just see, if you introspect, you'll find out that you have developed into a real spiritual giant. Nobody can touch you. You can do everything. You can look after yourself. You can support others. You must know how to love others. That's very important. But again, when it comes to love, they will love their child, love their wife. I mean, it's very common in Sajjana. They're too attached to their children. Before this, they were known to be absolutely selfish, had no attachment for children or wife. But now it is like a glue. Children are glued to them, wife is glued to them, and the family, very important. This is another temptation from which you have to get out. I'm not saying that you have to give up your family or child, but again I say the detachment. The detachment is your power. Watch everything with detachment. Now don't think that, oh, I came only a few days back in search of her. No. Don't think somebody is higher than me, I'm no good. No. You just introspect yourself and see for yourself how many powers you have already got. And the more you'll know, the more you'll become humble. Then another power of mother is that she gives you a state in which you are a sakshi, you are a witness, watching everything. You have tremendous patience. Tremendous patience. Whatever is happening, all right. This will be all right, that will be all right. This and that. So you get rid of horrible thing called anger. And this gives you such a peaceful witness state that you start becoming younger and younger. I will tell you some such of these whom I gave realizations in last year. This year I met them, I could not recognize. They have suddenly become 10 years younger. Very surprising. And I was myself, had to confess that I really can't recognize. Are you the same people? Or are you the son of that fellow? So then, what happens to you is that you become a peaceful personality. Why? Because your mother is there always. This faith, she's always there, she's always with us, always protecting us. But now we are grown up, so she has given us all the powers. All the properties she has given us. So what? What is there to afraid of? But this faith has to be not just a blind faith, but an enlightened faith. You know, this, the difference is in blind faith, you have faith, but no powers. In enlightened faith, you have faith and all the powers. When that happens to you, you start growing very much fast, first in your dharma. And you are not afraid of your virtues. You tell people, talk about Sadhu everywhere, and it works, it clicks. Once you don't have any fear, the whole picture will be clear to you because you become a visionary. With the experience, try to put the experience in your heart and have faith in that experience. What were you? What have you become now?
How many experiences of Sahajyoga you had? Of the mother's attention on you. Now, if you have that enlightened faith in you, you become powerful. You are powerless because your faith is like this. But if you become really a evolved, matured, realized soul, then all your powers will work. There's a fisherman in India who is, I mean, he's a graduate, though he's a fisherman. So one day he was going on a boat to another island to do Sahajyoga. And when he came out of his hut, he found huge big clouds, black ones, hovering and the Vishnu Maya playing. Just he stood on the shore. He told Vishnu Maya, please tell these clouds to behave themselves. I'm going for the work of mother and dare not trouble me on the way. Just the people who were with him told me that Harishchandra was talking like that. They got into the boat, they did the program, came home. When he went into his boat, things started. So you control all five elements by your enlightened faith. Anahat Chakra pe dhyan karenge. Madhu Gupta ji Haridwar se aaj dhyan karenge. Anahat Chakra pe. माता जी आइए हम सब लोग माँ के इस दिव्य अलौकिक स्वरूप को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और माँ के इस नव दुर्गा स्वरूप को जो कि संपूर्ण अपने देवी देवताओं के साथ, बालकों के साथ और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके चरणों में समाया हुआ है, उनके श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हम सब अपने समस्त चक्र, नाड़ियों, शरीर, मस्तिष्क, संपूर्ण अहंकार व प्रति अहंकार पूर्णतया आपके चरण कमलों में समर्पित करते हैं। कृपा करके हमारा विनम्र समर्पण स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। माँ, आपकी अनुकंपा से ईश्वर की इच्छा का हमारे व्यक्तित्व से प्रत्यक्षीकरण उन्हें दीजिए मां। मां, हम आपके नन्हे गणेश, मां आपकी अनुकंपा से हमारे मूलाधार चक्र में श्री गणेश की अबोधिता का दैवीय गुण प्रकट हो जाए मां। मां, आपकी अनुकंपा से हमारे स्वादिष्टान चक्र में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का सजन का जो देवीय गुण है वो प्रकट हो जाए मां। हे मां, विश्व निर्मल धर्म का मूल तत्व हमारी नाभि के माध्यम से स्थापित हो जाए मां। मां, निर्भयता का दैवीय गुण हमारे हृदय चक्र के माध्यम से प्रकट हो जाए मां। मां, निर्मल आत्मा शिव तत्व हमारे हृदय में स्थापित हो जाए मां। धीरे से चित्त को हम अपने बाएं हृदय पर लाएंगे और यहां पर
एक दिव्य ज्योति जो दिए की लौ की तरह है, इसे महसूस करेंगे और हृदय में इतना प्रकाश भर गया है उस ज्योति से जो कि आत्मा है। संपूर्ण हृदय इतना विशाल हो चुका है कि जहां तक आपका चित्त जाएगा वहां तक प्रकाश दिखाई देगा। इस आत्मज्योति, इस परम ज्योति को नमन करेंगे और अपने मां और पिता श्री शिव पार्वती, श्री गणेश के साथ महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे कि वो जैसे स्वयं कैलाश हमारे हृदय में विराजमान हो गया है। उस दिव्य अलौकिक आत्मज्योति के प्रकाश में स्पष्ट हमारे दया के सागर, करुणा के सागर, क्षमा के सागर हमारे माता पिता, हमारे भाई श्री गणेश विराजमान है। उनको नतमस्तक होकर नमन करेंगे और मंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। उस अलौकिक प्रकाश, ओ आत्मज्योति पर चित रखते हुए मंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और यहां से फिर अपने दाएं हृदय में लाएंगे। यहां श्री माँ के श्री सीताराम स्वरूप को, श्री हनुमान जी के स्वरूप को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप कृपया हम सब बच्चों पर कृपा करें और हम सबको धर्म में, आदर्शों में, जिस आदर्श और धर्म के लिए आप जाने जाते हैं वो सब हमें प्रदान कीजिए और सदैव अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर रखिए। मंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सीताराम हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और यहाँ माँ को प्रणाम करते हुए विशुद्धि चक्र पर आएंगे
माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ परम दृष्टा भाव और परम निर्लिप्तता सदा सदा हमारी विशुद्धि चक्र में प्रदर्शित हो। माँ आज्ञा चक्र पर आएंगे, श्री जीजस की निर्विचार चेतना के दैवीय गुण का हमारे आज्ञा चक्र में प्रत्यक्षीकरण हो। माँ वैकाज्ञा, माँ श्री महागणेश की क्षमाशीलता के दैवीय गुण हमारे अंदर से प्रत्यक्षीकरण हो। माँ कृपा करें, माँ कृपा करें। सहस्त्रार पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारे माँ के श्री चरण कमल राजे हुए हैं, सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है। माँ के चहुर सभी देवी देवता विराजमान है, सभी हजार चक्रों पर आसीन है और इनकी दिव्य अलौकिक ज्योति जिसके प्रकाश में सभी रंग एक रंग हो गए, सफेद सुनहरे। माँ के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि नमन करते हुए माँ से आज्ञा लेंगे और माँ से अनुरोध करेंगे कि हे परमेश्वरी, हमें मध्य में रखते हुए, निर्विचार रखते हुए, हमें परम पिता परमेश्वर से एकाकारता करा दीजिए। माँ हमें ले चलिए, ले चलिए माँ। माँ अनुग्रहित हुई, प्रेम से उन्होंने अपनी गोद में हमको लिया और चल पड़े हम अपनी यात्रा के लिए। धीरे से चित्त को अर्धबिंदु चक्र पर लाएंगे, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे, फिर धीरे से चित्त को बिंदु चक्र पर लाएंगे, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे, फिर धीरे से चित्त को बले चक्र पर लाएंगे, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और प्रदक्षिणा करते हुए ओम के उच्चारण के साथ परमपिता से मिलन की राह पर। चहुओं अभूतपूर्व एक परम शांति, एक परम मौन इस सब के होते हुए भी एक दिव्य अलौकिक प्रकाश पुंज और उसमें से इस शांति में भी एक ध्वनि
ओम के, एक ब्रह्मनाथ ओम, और ये चित, ये आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए अग्रसर। जिस प्रकार पारी को अलग कर दिया जाता है और पारी के हर एक कण आपस में मिलने के लिए आतुर होते हैं, और एकदम मिल जाते हैं, ऐसे ही आज ये बिंदु, ये आत्मा, ये चित परमात्मा में एकाकार हो गया। बर्फ पिघल गई, हम उसमें समा गए, बर्फ नहीं, सब तरफ पानी ही पानी है। हम अपने प्रभु की हृदय में समाये हुए हैं और माँ को अनंत 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 कोटि धन्यवाद करते हैं कि माँ, हमसे ज्यादा आपने हमें हमारे पिता से मिलाने के लिए प्रयास किए हैं। माँ आपको अनंत कोटि नमन, परम पिता आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से हम लोग उस दिव्य पुंज से बाहर आएंगे, यात्रा वापसी की अंतरिक्ष सभी नवग्रह को नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। आकाश गंगा आकाश नीचे की तरफ आए, इस स्थान से हम पांचों तत्वों को अपने में लेके, और जो परमपिता ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, परम चेतन दिया है, वो संपूर्ण विश्व में बरसा देंगे, इस कामना के साथ कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब सहजयोगी बने, और मां निर्मला देवी के चरणों में अपनी गति पाए। धीरे से हम लोग अपने सहस्त्रार बनाएंगे, यहां आकर मां के श्री चरण कमलों में अनंत 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 कोटि नमन करेंगे, अनंत अनंत कोटि धन्यवाद देंगे कि हे परमेश्वरी, आपने हम पर कृपा की, इस मानव रूप में आकर हम सबको आत्म साक्षात्कार दिया और हमें प्रभु से मिलने की राह दिखाई। धीरे से चित्त को अपने हृदय चक्र पर लाएंगे, यहां पर आकर माँ की आगे की पूजा करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। देवी कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रमिला जी 28वें श्लोक से आरंभ कीजिए। जय श्री माता जी। तनौ रक्षेत महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में शूल धारिणी उदर में रह के रक्षा करें। नभौच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढुम गुदे महिष्वाहिनी।
नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की कुयेश्वरी रक्षा करे, पोतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगतती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फे और नारसिंगी चपाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पाद अदस्तल वासिनी। नारसिंगी दोनों गुड्डियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी तलुओं में रह के रक्षा करें। नखान नखान दंष्टा क्राली च केशांश्चैव ऊर्ध्वकेशिनी रोम कूपे सुकुमारी त्वचम वागीश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दंश्रा कराली देवी नखों की ऊर्ध कीशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागीश्री देवी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांसानी मांसानी अस्थि मेदांसी पार्वती अंतराणी काल रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिस तथा ज्वालामुखी नखत ज्वालाम अविद्या सर्वसंधिशो। सभी चक्रों में पद्मावती देवी और कफ या फेफड़ों में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह विद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहके रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छायाम क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेत में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें, क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपानम तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। आत्मे वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस तमश्चैव रक्षेत नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्षचंड के पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वता स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्षमे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पदम एकम न गच्छेन्तु यदि छेचु
आत्मनः कवचेन आवृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यम यम चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यं अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पे तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामेषु अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेन आवृतः पुमान। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अकाल मृत्यु रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधिया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला हाकिनी डाकिनी तथा शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा हाकिन्याश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरव आदयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर् भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम्। इस पृथ्वी पे मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते सशैलवन काननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद
सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। माँ के पास अपने बच्चों की रक्षा करने और देखभाल करने के लिए बहुत सी शक्तियां हैं। सर्वदा ये शक्तियां विद्यमान होती हैं, हर समय 24 घंटे कार्यरत रहती हैं। अतः जो भी मनुष्य श्री माता जी के प्रति समर्पण करता है इन शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है और यह उसकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती है। परंतु समर्पण पहली चीज है। आप यदि परमात्मा के साम्राज्य में नहीं है तो माँ श्री माता जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आसुरी नकारात्मक शक्ति आप पर नियंत्रण कर ले और आपको नष्ट कर दे। अंत में श्री माता जी ने विशेष संदेश देते हुए कहा है, अब हमने इस कवच को संक्षिप्त कर दिया है, आप मात्र बंधन ले लें और यह कवच सम ही है। आत्म साक्षात्कारी लोगों का बंधन ले लेना कवच के बराबर ही होता है। जो भी कुछ आपने यहाँ कहा सब कर दिया गया है। कल और आज यहाँ जो कुछ भी कहा गया है वे सारे रक्षा कार्य रक्षा करी द्वारा एक झटके में कर दिए गए हैं। तो अब हमने देखना है कि हम में से कितने लोग घर से बाहर जाते हुए सोने से पूर्व या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पूर्व बंधन ले लेते हैं। कितने लोग बंधन लेते हैं, शायद कभी आप इसे भूलते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा पर जाने से पूर्व, सड़क पर जाने से पूर्व आप यदि बंधन ले लें तो बेहतर होगा। ये ना कह दें कहें कि ठीक है श्री माता जी हमारी रक्षा कर रही हैं, ये बात नहीं है। यह सब कार्य करने से पूर्व आपको बंधन लेना अत्यंत आवश्यक है। आपकी यदि दुर्घटना हो जाए तो आप समझ लें कि आपसे कोई अपराध हुआ है या कुछ और है। प्रायः आपकी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना का अर्थ है कि आप में अभी भी कुछ कमी है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब हम सब लोग आगे की तैयारी करें। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ,
बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जजनि रमल माता जी, जजनि रमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जजनि रमल माता जी, जजनि रमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संकटनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जयनि रमल माता जी, जयनि रमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जयनि रमल माता जी, जयनि रमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता माताजी श्री निर्मला देवी की जय। इस क्षमा याचना के साथ आज का नवरात्रि के चतुर्थ दिवस का ध्यान एवं पूजन संपन्न हुआ। मधुबुआ को बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज बहुत ही सुंदर भक्ति से परिपूर्ण ध्यान कराए। और प्रमिला जी को भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने संस्कृत में इतना सुंदर देवी कवच का पाठ किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू श्रीमाता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल कलेक्टिविटी। जय श्रीमाता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। उनका जी सभी को बहुत सुंदर ध्यान हुआ बुआ जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ। थैंक यू प्यारी अलका जी। जय श्री माता जी। थैंक यू बुआ जी। थैंक यू प्रमिला दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। आज ना बिल्कुल शुरू में ही
सफेद, बिल्कुल सफेद शिवलिंग हिम का बना हुआ, उसके ऊपर लाल रंग के फूल। श्री माता जी, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली आज जैसे हुआ ध्यान करा रही थी तो मैं ये महसूस कर रही थी कि हम लोगों के ना शब्द घटित होने लगे, जाके बैठ जाते, हम जो भी बोलते हैं ना वो घटित, वो घटना की तरह तुरंत घटित हो जाता है। तो जो श्री माता जी ने कहा ना कि जब तक आप छोटे बच्चे थे जगदम्बा यानी आपकी माँ आपका रक्षण कर रही थी, जब आप बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी पावर्स आपको दे दी, खुद सब करो, शक्ति अपनी दे दी। आई थिंक कहीं ना कहीं श्री माता जी ये कर रही हैं, निरंतर शब्द घटित हो रहे हैं। जैसे बर्फ है तो बर्फ है, पिघल गई तो पानी फैल गया, सब कुछ वैसा ही जैसा कहा जा। थैंक यू बुआ, थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू बच्चा, थैंक यू माँ, आपको इतनी प्यारी के लिए। रियली अलका, जब आप प्रस्तावना में सारा आप करा रहे थे, मतलब किस पोजीशन में थे ये तो श्री माता ही जानती हैं। मतलब इतने आनंद में डूबे हुए, पूर्णतया निर्विचार था, बहुत सुंदर बच्चे। माँ आपको हमेशा आशीर्वादित रखें। थैंक यू बच्चा, थैंक यू माँ और सभी कलेक्टिविटी को। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।